वहाँ पर जो यूरोप में स्पेशली डेनमार्क में कचरे की सिस्टम किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रहा हूँ जो कि मेरे ख़्याल में ये यूरोप में तो नॉर्मल है और ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी नॉर्मल होगा, मगर जो है इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये जो है ये यूनिक तरह के प्रोडक्ट होंगे। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो यूरोप में स्पेशली डेनमार्क में कचरे की सिस्टम किस तरह है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत से सारे बड़े बड़े डब्बे कंटेनर जैसे पड़े हुए हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है इस पर हर एक डब्बे पर और हर एक कंटेनर पर निशान लगा हुआ है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर सिस्टम किस तरह है। तो आइए मैं अपने कैमरे के उस साइड के ज़रिए से आपको दिखाने चाह रहा हूँ। ये लग जो ये जो कंटेनर है इस पर लिखा है पपिया, इसका मतलब है कि पेपर। अगर आप इसको देख लें तो ये बिल्कुल बंद है और यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आप किस चीज़ को यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसी तरह ये वाला भी जो है पेपर के लिए है और ये कंटेनर भी पेपर के लिए है। ये सारे बंद है, मगर ये जो है इस पर भी लिखा हुआ है हाफ, इसका मतलब है कि ये बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं उसमें जो है पेपर है। आप अगर देख लें तो ये पेपर होगा तो इसमें ये जो है वो जो डब्बे बड़े बड़े डब्बे होते हैं। अगर इस ये वाला खुला है तो इसमें आप अपने सारे इस कचरे को डालकर यहाँ पर ये बड़े बड़े डब्बे को डालकर आप इस तरह के रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर सफाई का निज़ाम बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो मैंने ये सारे कचरे इधर मेरे पड़े हुए हैं तो मैं अभी इन सब को जो है फूड की है, तो फूड के लिए यहाँ पर स्पेशल सा एप्पल का निशान लगा हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला भी खुला है। तो यहाँ पर लोग सब अपने कचरे जो है बंद प्लास्टिक में बंद करके डालते हैं। तो अब ये निज़ाम आप लोग इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सफाई और कितनी बगैर कोई भूखी यहाँ पर आप अपने कचरे डालकर आप घर जा सकते हैं। तो ये जो 10-12 कंटेनर है ये सिर्फ और सिर्फ इतने इस लोगों के लिए है। ये जो सारे अपार्टमेंट यहाँ पर हैं यही लोग जो हैं अपने कचरे यहीं पर लाके डालते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इतना अच्छा निज़ाम जो कि हम लोग अपने ही मुल्क में ला सकते हैं, इससे हम लोग बिजनेस भी चला सकते हैं। और इसी निज़ाम के ज़रिए इसी सिस्टम के ज़रिए पैसे भी कमा सकते हैं। और ये पैसों के अलावा इस कारोबार के अलावा अगर आप लोग ऐसा काम करना चाहते हो जो कि बड़े बड़े कंटेनर और इस साइज़ के कंटेनर अपने हर मोहल्लों में रख के तीन तरह के जो है कचरा नॉर्मल कचरा है और उसके बाद फूड वेस्ट है और उसके बाद पेपर वेस्ट है और प्लास्टिक वेस्ट, चार तरह के डब्बे आप लोग रख सकते हैं और हर गली में रख के 50 से 100 तक तो 200 तक आप जो है इससे किराया लेकर आप ये बिज़नेस चला सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो है ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही मुफीद है और बग़ैर किसी भूखे बग़ैर किसी कचरे के बग़ैर किसी गंदगी के आप अपनी गलियों को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपने इस जो यहाँ पर पड़े हुए ये मेरा जो कचरा है यहाँ पर पीछे, तो इसको मैं डिवाइड करके अपने कचरे के डब्बों में डालता हूँ। इस कचरों में आज सबसे एक बड़ी बात जो मुझे पसंद आती है वो ये है कि यहाँ पर मैंने एक कॉफ़ी के डब्बे में जो है बहुत से सारे बैटरीज जो है मैंने जमा की है, क्योंकि ये बैटरीज जो है स्पेशल है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा यहाँ पर लगा है। तो सारे जो बैटरीज हैं छोटा बड़ा सब बैटरीज को यही पर डालते हैं, क्योंकि इन बैटरियों को दोबारा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पावर सिस्टम में
دوبارہ انہیں استعمال کرنا پڑے گا اور دوسری طرف یہ جو ہے بیٹریز اگر یہ زمینوں پر پڑ جائے اور یہ جو ہے زمین کے اندر چلا جائے تو یہ بہت ہی خطرناک اور انوائرمنٹ کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہو سکتا ہے. پھر اس لیے یہ جو ڈبے ہے میں اسے کوشش کروں اوپن کروں, یہ جو ہے میں نے ابھی اسے اوپن کر کے اور ڈالنا ہوگا. میں نے ایک دوسرا رستہ نکالا ہے, سارے جو بیٹریز ہیں یہاں پر ہم لوگ ڈالتے ہیں تو یہ والا اور یہ جو ہے اس میں ڈالتے ہیں, ساتھ ڈالتے ہیں یہ جو نارمل ویسٹ ہے پلاسٹک وغیرہ, اسے بھی ریسٹ لاسٹ آؤٹ فیل یعنی کہ سارے جو دوسرے نارمل پسند کے کچرے ہوتے ہیں تو یہاں پر ڈال کر یہ لکڑی وغیرہ نارمل یہاں پر لکڑی کا جگہ نہیں ہے سے بھی یہاں پہ اور اس کے علاوہ پلاسٹک وغیرہ ہے. ابھی میں نے اس میں وہ کافی کا جو ڈبہ تھا اس کے لیے یہاں پر پلاسٹک وغیرہ ہے. یہاں پر بھی انسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس کس قسم کی چیز کو میں یہاں پر ڈال سکتا ہوں. پلاسٹک وغیرہ اس دفعہ میں نے جو فوڈ تھا تو اسے بند کر کے ہم یہاں پر آپ دیکھ لیں صفائی کتنا نہ کوئی بو ہے اور نہ کوئی, اس میں جو ہے پلاسٹک وغیرہ یہاں پر وہ بھی یہ بھی ڈالنا ہے. یہ جو پلاسٹک وغیرہ ہے یہاں پر بھی اچھا سا نکال ہوتا آپ بالکل نظر رکھ کر کے یہاں پر اور یہ سارے جو ہیں میرے بچوں نے سائننگ کی ہے دعائی کی ہے یہاں پر پلاسٹک کی, کیونکہ یہ پلاسٹک جو ہے یہاں پر نارمل کشیوں میں آئے گا. اور اب اس کو دیکھتے ہیں, میرے پرانے جوتے ہیں اور کیپ وغیرہ ہیں تو یہ جو ہے ایک اسپیشل سے جگہ پر لے جائیں گے کیونکہ یہاں پر وہ جو کباڑی کے لوگ ہوتے ہیں کباڑی جو ریڈ کراس وغیرہ ہے تو ان لوگوں کو ہم دیتے تھے یا پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی جوتا جو ہے اگر ان کی سائز اور حالات اچھے ہیں تو پھر انہیں ریسیل کر کے اس کے پیسے جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے پڑھائی بیچتے ہیں. اور اس لیے یہ والا جو ہے جو بڑے بڑے جوتا تھا وہ مجھے جلدی جلدی سے کرتے ہیں, تھوڑا سردی ہے ابھی. یہ جو فلیمنگو یہ بھی ریسٹ آؤٹ فیل ریسٹ ڈسٹ کے اور ریسٹ کچرے میں آ جائے گا کیونکہ کوئی نشان نہیں ہے. میرے خیال میں سارے جو ہے ریسٹ آؤٹ فیل ریسٹ کچرے میں آ جائے گا. میری زبان کی ڈینش پسند تھی کیونکہ اچھی طرح سے بند کرنا دیکھ لیں
यहाँ पर तो तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी था, और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे। एक तो ये है कि सफाई के बारे में यहाँ पर लोग सफाई का कितना ख्याल रखते हैं, और दूसरा ये कि सफाई के ज़रिए हम पैसे भी कमा सकते हैं। और ये जो तीन तरह के चार तरह के कचरे के बगैर इन्होंने 10 तरह के कचरे डिवाइड किए, और उसके लिए हमें पेपर भी भिजवाया है गवर्नमेंट से कि हम लोग किस तरह कचरों को तकसीम करते हैं और कौन से कचरे किस डब्बे में डालने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।